हेलो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन, एक बार फिर से प्रेजेंट हो चुका हूं। मेरे प्यारे ब्रदर, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार करते आ रहे हो कि आखिर चंदन भैया कब आएंगे YouTube में वीडियो में सामने और पूरी बातें जानकारी खोल करके सामने बता देंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहना, मेरे पास भी टाइम की थोड़ा कम होते हैं, इसलिए मैं वीडियो को सामने आकर के नहीं बना करके आपके पास अपलोड कर पा रहा हूँ। चूंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो YouTube के अलावे कुछ और भी करने होते हैं, इसलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं पूरी कंप्लीट जानकारी जैसे मेरे ऑफिशियल टाइप की न्यूज आती है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दूसरी बात है दोस्तों, जब तक न्यूज कन्फर्म नहीं होगा, ऑफिशियली टाइप का नहीं आएंगे, तब तक वीडियो बनाना भी बेकार होता है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आते रहता हूँ। चलिए आज की वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ, पूरे डिटेल्स जानकारी बताऊंगा और कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए, और हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, और चंदन भाई से कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भाइयों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, कृपया करके वो फोन ना करें, क्योंकि हम भी बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया कीजिए, नाम लिख करके, आप कहाँ से हो और आपकी क्या क्वेश्चन है, आपका जवाब जरूर तुरंत मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बात करूंगा, ओटी टेक्नीशियन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत आपने जो फॉर्म अप्लाई की हो, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, ये तीनों का जो वैकेंसी है ये एक साथ फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है, और एएनएम की वैकेंसी भी एक साथ ऑनलाइन होना शुरू हुआ था। ये चार वैकेंसी था, लेकिन हम आपको इसमें तीन का, ओटी, ईसीजी और एक्सरे वाले सभी भाई को मैं बता देता हूं कि अब आप लोगों की काउंसलिंग कब तक होंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, किन की फॉर्म रिजेक्ट होंगे, किन की फॉर्म को सिलेक्ट किया जाएगा, पूरी डिटेल्स जानकारी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं काउंसलिंग की। मेरे प्यारे ब्रदर, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है आप लोग को पहले होना था, लेकिन अब ट्यूटर वाले के काउंसलिंग होंगे। नर्सिंग का जो ट्यूटर का फॉर्म अप्लाई हुआ था जनवरी फरवरी में, तो उन सारे कैंडिडेटों के काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो गया है। अब दिसंबर और जनवरी तक में इन लोगों के काउंसलिंग पूरे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तत्पश्चात उसके बाद ओटी वाले, ईसीजी वाले और एक्सरे वाले, इन तीन जो कैंडिडेट हैं, तीन जो फॉर्म अप्लाई हुआ, इन सारे कैंडिडेटों की ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई हुआ उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होंगे। तो ये जो प्रक्रिया शुरू होगा, तो ये सारी चीज करने में फरवरी तक जाएंगे, मार्च तक जाएंगे दोस्तों। उनके बाद एएनएम की काउंसलिंग होगा, क्योंकि एएनएम वाले सिस्टर अगर देखते होंगे तो वो कहते होंगे, सर आपने तो एएनएम वाले को फरवरी मार्च बता रहे हैं। देखिए, जब प्रक्रिया शुरू होंगे तो ये चारों वैकेंसी एक साथ आए हुए हैं और एक साथ प्रक्रियाएं शुरू होंगे, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन नर्सिंग वाले के होने के बाद ही होगा, ट्विटर वाले के होने के बाद ही होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, अब बात करता हूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट का मैं जो बात करूंगा, जहां तक जैसे कि ईसीजी वाले के, एक्सरे वाले, ओटी वाले, आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का था, जैसे एक्सरे वाले की जो एक्सरे से डिप्लोमा किए हैं, एक्सरे से जो यहां पर ग्रेजुएशन किए, यानी कि ओटी वाले ऑपरेशन थिएटर से, इन जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन था, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही। इसके अलावे 10th क्लास के जो मार्कशीट होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावे मेरे प्यारे साथियों, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और यहाँ पर एक बात कंफर्म करूंगा, यहाँ पर क्लियरिटी करूंगा, जो महिला कैंडिडेट है और महिला में जो शादीशुदा है, ठीक है, महिला मतलब शादीशुदा कैंडिडेट जो वैसे महिला है, वो अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, पति के नाम से नहीं बनाएंगे, हस्बैंड के नाम से नहीं बनाना है, फादर के नाम से बनाना है। इस चीज को आप लोग कंफर्म होकर के सुन लीजिए, हस्बैंड के नाम से बनाओगे आपका गलत हो जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, इसलिए जो शादीशुदा महिला है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हो गया, और सिंपल भाषा में बात सुनोगे, समझोगे, तो एक ही लाइन में समझिए, जितने भी फॉर्म भरने टाइम में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सेम डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम में लगेंगे। इसलिए वो डॉक्यूमेंट अगर आपका खो भी गया है तो जल्दी से खोज करके अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। ये चीज हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, कि कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ कितने जाएंगे। देखिए, कट ऑफ की जहां तक मैं बात करूंगा, तो कट ऑफ एक एनालिसिस करके, सारे कट ऑफ ईसीजी, ओसी, ईसीजी, ओटी, एक्सरे सारे लोगों का मैं बना करके आप लोग को अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो लिस्ट में जाइए, आप लोग देख लीजिएगा, पूरे आप लोग को संतुष्टि वहां से मिल जाएगा। दोस्तों मेरे पास जो कट ऑफ है वो एक अनुमानित कट ऑफ है, वो अनुमानित कट ऑफ आपको दिखाए हैं। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क कमेंट करते हो तो उसके आधार पर हम आपको एक और फ्रेश कट ऑफ बना करके दिखा देंगे, क्योंकि
कट ऑफ तो तभी बनेगा ना जब आप अपना मार्क बताओगे। अपने मन से कुछ नहीं बना सकता हूँ, सारे कैंडिडेट मार्क देंगे, उस मार्क को एनालिसिस करना होता है, कितना तक जा सकते हैं, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, कितना प्रेजेंट हो सकता है, ये सारी चीज करने के बाद एक संशोधित जो कट ऑफ बनता है वो एक क्लियरिटी कट ऑफ होता है, जो आप लोग उस पर थोड़ा देर विश्वास करके अनुमानता लगा करके थोड़ा दिल को खुश कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आप अपने मार्क को कमेंट करिए। मेरे पास जो मार्क था उसके आधार पर हमने बनाया है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कमेंट करते हो तो एक अच्छे से कट ऑफ बन पाएंगे। ये चीज भी आपको समझ में आ गया। और प्यारे दोस्तों, एक और मैं जाते जाते मैं पॉइंट क्लियर करूंगा कि यहाँ पर बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं, ठीक है? तो वो सारे कैंडिडेटों को मैं बता देता हूँ। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, आपकी बिहार में नौकरी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अब आप लोग को गुस्सा आते होंगे कि कम क्यों है। दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये एग्जाम नहीं है, इसमें एप्लीकेशन अप्लाई जो है डायरेक्ट मार्क बेसिस पर है। अब ये अंक आधारित है, अंक आधारित में संविदा वाले को वेटेज दिया गया। अब जो भी मेरे प्यारे भाई संविदा पर नौकरी करते होंगे वो सारे कैंडिडेटों को जनरल में नौकरी हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के जो मार्क होंगे वो ज्यादा होंगे। संविदा वाले मार्क प्लस उसका जो क्वालिफिकेशन वाले मार्क होंगे वो दोनों ऐड करेगा तो ज्यादा होगा। जैसे ही ज्यादा होगा तो वो जनरल की कट ऑफ पार करेंगे और जनरल उनका रिजल्ट हो जाएगा। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो आप लोगों की सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होंगे, तो ऑलरेडी बिहार वाले कैंडिडेट के मार्क ज्यादा होंगे तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इसी आधार पर हमने आपको बताया है। खैर बात दोस्तों, अब जो भी कट ऑफ आते हैं, जो भी काउंसलिंग के लिए लिस्ट आते हैं, जो सारे प्रोसेस होते हैं, वो जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से कहना यहाँ पर थोड़ी मुश्किल की बातें हैं। खैर बात दोस्तों, अगर कोई जानकारी आएगी हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे और अपडेट देते रहते हैं। इसके अलावा कोई और डॉट हो, कोई और प्रश्न हो तो टेलीग्राम ग्रुप से पुनः कह रहा हूँ जुड़ जाइए, सबको जोड़ दीजिए, जिससे कि एक साथ अगर कोई वर्क करना हो, एक साथ बीटीएससी को कुछ बताना हो, कोई जानकारी शेयर करना हो तो सारे भाई मिलकर के हम लोग एक साथ करेंगे तो वो कार्य सफल होगा और जल्दी होंगे। क्योंकि दोस्तों, ये बिहार है और बिहार की नौकरी ले लेना भगवान से ऊपर वाले तक मिल लेने की बराबर होती है। इसीलिए जब तक लड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, और मिलने के लिए आपको मन तन धन सब कुछ यहाँ पर लगाना होता है। एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए, तो थोड़ा जुड़ जाइए, ठीक है? चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। दोस्तों, जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आते हैं तो ही अपडेट में आऊंगा। बार बार आप लोग गलत कमेंट करते हो उससे कोई इफेक्ट मुझे नहीं पड़ता है। आप गलत कमेंट जितने देर में करते हो उसके 3 से 4 सेकंड के बाद मैं कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, इसलिए आप अपने मन के भ्रास मत उतारा करो गलत कमेंट करके। मैं अपने मन का भ्रास 2 सेकंड में उतार दूंगा। अगर गलत कमेंट करोगे इस तरह से ब्लॉक करूंगा, जिंदगी में दोबारा कमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ पूछ नहीं पाओगे, ठीक है? इसलिए थोड़ा सोच समझ करके कमेंट करिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आपने कमेंट किया हमने डिलीट किया, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है यूट्यूब पर। क्योंकि जहां पर हजारों हजार व्यू जाएंगे, दो चार आप गलत कमेंट कर दोगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सारी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय।